क्यों रो रहे हो सुबह सुबह हैं? क्यों रो रहे हो? रीजन क्या है? बाल नहीं बनाए, बस इसीलिए। अच्छे लग रहे हैं बाल भाई। गाइस को पूछो अच्छे लग रहे कि नहीं। What's up guys, welcome back to the vlog। कल रात को बहुत ज्यादा हैवी डिनर का था तो मैं ब्रेकफास्ट करने नहीं जा रहा। मम्मा और रशी जा रहे हैं पीयू मेरे साथ रूम में। मैं पी रहा हूँ सिर्फ ब्लैक कॉफी। मुझे जाना था रनिंग करने, बट रनिंग मैं तभी करूंगा जब वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि पीयू मेरे साथ है। और भी मेरे साथ बहुत ही गंदा एक इंसिडेंट हो गया, पता है क्या? मेरी बम छिल गई है यार। इतना तेज शावर है, बम शावर तुमने ट्राई किया? तुमने करा आज? भाई साहब इतना तेज बम शावर, गाइस आई हैव टू पुट माय फॉर इट वाज वेरी हार्ड। आई डोंट नो इट्स अ बम शावर और बम छिलर। आई हैव टू पुट माय हैंड देन बाउंस द दैट शावर। इतनी तेज धारा थी ना, आई हैव टू बाउंस द धारा फ्रॉम हियर टू हियर and then I had to do all the washing. It was terrible man. And this is typical Indian family, कपड़े सुखाते हुए यहाँ पे। चलो भाग लो, चलो जाओ। मम्मा ये क्या बात है यार? मैं अपने रूम पे हम करेंगे acting. अभी बच चुके हैं 11 इन द मॉर्निंग। आज प्लान सबका था कि सुबह उठ के सनसेट वगैरह का प्लान, सनराइज का प्लान करेंगे, बट जब हम लोग आए थे तो स्वाति कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट डायरेक्ट आई थी। शी गॉट अप एट 2 इन द मॉर्निंग। हम लोग भी ठीक से सो नहीं थे, वी गॉट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। फिर यहाँ पे पूरा दिन ट्रैवल, हैदराबाद में फ्लाइट चेंज, तो वी थॉट कि आज रेस्ट लेते हैं। सनराइज भगवान कहीं नहीं जा रहे, कल मॉर्निंग में निकलेंगे, कल वैसे सुबह निकलना, तो सनराइज का प्रोग्राम कल कर लेंगे। अभी दिक्कत ये हो चुकी है कि स्वाति की तबीयत हो चुकी खराब। अब कल क्या हुआ, रात का खाना नहीं पचा या दिन में कुछ हो गया, मैं जा रहा हूँ उसकी दवाई लेने, तो उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने अपने फैमिली डॉक्टर से दवाई लिखवा ली है, बट मेरे को मेडिकल स्टोर से दवाई भाग के लेके आनी है। छोटी सी फार्मेसी, बट होप मिल जाए सामान। यहाँ तो नहीं मिली, बट शी इज सेइंग स्ट्रेट एंड लेफ्ट, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे तमिल का प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई थिंक हो जाएगा। अपोलो फार्मेसी यहाँ मिल जाना चाहिए। काफ़ी बढ़िया शॉप थी। डॉक्टर ने कहा कि दवाई ले लो, दवाई से काम नहीं चलेगा तो फिर रात का सुबह इंजेक्शन लगेगा, बट आई होपफुली काम हो जाएगा। मैच कर रहा गाड़ी से कलर। आओ मेरे साथ आओ, तुम चलो आओ। दिखाओ जरा, फिर से मुंह फटाफट दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। चलो बच गई हो, चलो चलो। अभी मैंने आइस मंगा ली, ठीक हो जाएगा। चलो 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 चलो, नहीं नहीं करो, चलो दिखाओ मेरे को, दिखाओ। ऊपर वाला भी फट गया क्या? अरे हाय, दांत में भी लगी क्या रशी? कैसे गिर गया बेटा? अब ध्यान से क्यों नहीं करते हो? दिखाओ एक बार नीचे, दिखाओ दांत, नीचे का दांत दिखाओ। नीचे का दांत तो ठीक है, ऊपर का दांत दिखाओ, ऊपर का दांत दिखाओ। यहाँ दांत में भी लगी है, है? लाइट में आओ। रशी बच गया, भगवान ने बचा लिया आपको। यहाँ इसको दांत में लगाओ, दांत में लगाओ। ए लो अंदर, चलो खा जाओ खा जाओ खा जाओ खा जाओ। हाँ मुंह में रख लो। याद है आपको बचपन में आइस बहुत पसंद किया जाता? पापा आइस याद है? मेरे बच्चे तेरे को इतनी क्यों लगती है भाई, इतनी नजर उतरो है। लो मजा आ गया आइस खा के। दांत में लगाओ, दांत में, चलो दांत में लगाओ। इकर इकर, हाँ गुड 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 गुड। देख पूरा होठ फूल गया ऊपर वाला। दर्द होगा तो हम सह लेंगे, आप पापा की स्ट्रांग बच्ची हो। स्ट्रांग, वाव, दर्द। तो भाई नैना हैज बीन डन। रशी और आरा सुबह सुबह मम्मा को ले गई थी कि पूल पे जाके खेलेंगे, तो पूल पे लोग खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, वो नंगे पांव दौड़ रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते वो होठ के बल गिर गई, बट डर मुझे लगा उसके साइड में ऑलरेडी पहला कट लगा था, उसके ऊपर ना लग गई हो, बट इतना बड़ा कट नहीं है। बट हाँ दांत में एक कुछ है, बट आइस लगा दी तो स्वेलिंग अभी कम हो चुकी है। टचवुड इतना ज़्यादा इस बार नहीं लगा, थैंक गॉड। मेरी नैना हो चुकी है, अभी प्लान क्या है कुछ पता नहीं, क्योंकि स्वाति की तबीयत खराब हो चुकी है और रशि को भी लग चुकी है, तो क्या करना है पता नहीं। शाम को तो कुछ करेंगे, अभी शायद कुछ ना कर पाए। तो नैना हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन स्पेशल बाथरूम में, क्योंकि यहाँ बीच में ना सारा पानी इकट्ठा हो गया। देखो ये पूरा पानी इकट्ठा है यहाँ पे। एक्चुअली जिस भी कारीगर ने बनाया होगा ना, उसने पूरा अच्छे से बना लिया होगा, फिर बनाया होगा। ओ भाई साहब मैंने क्या बनाया है, क्या बनाया सुना होगा। एंड ही मस्ट बी अ हैवी वेट ड्राइवर। तुम लोग उसको जब बीच में खड़ा होगा ना, वो मैंने क्या काम किया, तो उसके वेट से नीचे का धस गया होगा। यहीं खड़ा होगा, यहीं पर खड़ा हो गया, यहाँ पे गड्ढा बन गया। सो नाउ माय जॉब इज टू डू दिस फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड सुखाओ द बाथरूम, क्योंकि ये पानी पड़ा रहेगा तो जरूर फिर से कोई ना कोई गिरेगा इसमें। चलो पूरा पैकेट लाना है क्या?
चलो तो समय हो रहा दोपहर के 4, अभी हम लोग निकल रहे हैं। दिन में कोई कुछ जा नहीं पाया, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, ये सो गई थी, इसको बहुत नींद आई थी। तबीयत कैसी है? चलो आज फिर पार्टी। तो कल रात को स्वाति रूम की चाबी भूल गई, तो गलती से अंदर वो शीशा खुला छोड़ाई थी, उससे टापे गई रात को। ओह तो ये पीछे वाली खिड़की खुली हुई थी, गलती से खोल दी थी, उससे टाप के गए रात को। चाबी मिली कहाँ पे? चाबी थी वो चाबी होल्डर पे लगी हुई थी। और चलो भाई बच्चा पार्टी चलो। दोपहर के 4 बज गए, मैं तो भाई सुबह से कुछ खाई नहीं, तो मेरे को भूख बहुत भंपर लग रही है। दिन थोड़ा आज थोड़ा वैसा हो गया, बट वी विल मेक फुल यूज ऑफ द इवनिंग। बाहर स्पेंड करेंगे पूरा इवनिंग। अब रुको नहीं, अब चलो। आ जाओ आ जाओ। अरे पपी ले लिया, पपी कितना प्यारा है। रशी कहाँ लेके चलोगी? उसको छोड़ दो तो बेटा, उसको नहीं लेके जा पाएंगे हम। आप बैठो, देखो आपके पीछे आके देखो। और उनको गाड़ी के नीचे आ रहे हैं बेटा, वो गाड़ी के नीचे आ रहे हैं, उनको साइड कर दो प्लीज। बेटा समझो बात को, अभी वापस आएंगे तो ले लेना इनको, ठीक है? अभी बैठ जाओ। चलो तुम लोग को मैं साइड कर दूँ, इधर आओ दोनों। अरे दो इधर, तुम लोग यहाँ रेस्ट करो। चलो ये हमारा पंचरत्न टेम्पल, वी डिसाइडेड टू स्टे, स्टॉप क्विकली एंड हैव अ लुक हियर। और यहाँ पे टिकट का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, हमने कहा डिस्चार्ज छोड़ो। तो इंडियंस के लिए 40 है, फॉरनर्स के लिए 600 है। पहले काउंटर पे जाओ, अपना कैश देके टिकट ले लो। अभी अच्छा किया पेटीएम का एक वो लगा दिया है स्कैन कोड, बट देन एवरीबडी हैज़ टू एंटर देयर आधार कार्ड एड्रेस एड्रेस। तो मैं कहा भाई बहुत टाइम लग रहा है, इससे अच्छा हम लोग फिर चलते हैं। और हमने घूमा हुआ पहले से भी, तो फर्क नहीं है। बट सिग्निफिकेंस इसका यह है कि दिस इज अ मार्वल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड मोनोलिथिक है, एक पत्थर से बना हुआ पूरा। तो यहाँ पे सारी शिल्पकार मार्केट है, मेड इन अदर शॉप। हम लोग जा रहे हैं वैसे तो अभी 5-star प्रॉपर्टी, लेकिन अगर बढ़िया चाय, हमने कहा एक कड़क चाय यहाँ पी लेंगे, क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ कड़क नहीं मिलेगी, एम्बियंस बहुत बढ़िया मिलेगा। बेटा हट जा हट जा। यू हैव कोकोनट, कोकोनट इज कोकोनट कुकी, ये ग्रेट सक्सेस। हम पियेंगे चाय एंड कोकोनट। सॉल्टी भी है कुकी, सॉल्टी भी है जी। टू कोकोनट, वन ही इज आल्सो वेटिंग फॉर चाय। ये ले ट्राई कर। यार देखो ये कैसे लड़ रहे हैं, दोनों के बिट्टी लगा दो लड़ाई की। तो क्यों लड़ रहे दोनों? तो हमने चाय पीने से पहले तीनों कुकीज एक एक टेस्ट कर लिया था कि चाय के साथ कौन सी खाएंगे, ताकि चाय के साथ वो मजे ना खराब हो। लो बाय अन्ना, वेरी नाइस टी। तो हम लोग आ चुके अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी में। यहाँ पे हम लोग जो हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, यहाँ बुकिंग मिल जाए, यहाँ बुकिंग मिली नहीं हमें। बच्चा पार्टी कम बगिया कम, मैं पूजा भी की थी इसको याद कर। जय गणपति बप्पा। बच्चों मजे आ रहे हैं? लास्ट टाइम यहाँ पे हमने उसको ब्लॉग भी किया था, भैया कह रहे हैं उसको ले गए क्योंकि वो लड़की को भगा देता था। शरारती था क्या भैया? लेकिन लड़की को भगाता कैसे था? मतलब लड़की देखता तो अजीब सा करता है वो। यहाँ पे बगुला था, वो लड़कियों को छेड़ता था। उसको बोलते हैं उसको टर्की टर्की तीतर तीतर। आ चुके बीच पे, लास्ट टाइम हम लोग यहाँ बैठ के चाय पी थी, अभी हम लोग वहाँ गए किचन में, कह रहे हैं यहाँ चाय देना बंद कर दी है। छोटा लग रहा है, पिछली बार बहुत बड़ा लगा था ना, यही था क्या? ऐसा लग रहा है लास्ट टाइम बहुत बड़ा था ये। नहीं हमने वहाँ बैठ के चाय पी थी, एक कौआ हमारा बिस्किट ले गया था, फिर हम भागा था, फिर एक आंटी आई थी तेरे को वो शेल्स दिखा रही थी कि मैडम ले लो मुझसे। नई जगह घूमने से अच्छा क्या लगता है? अरे आंटी रहे, वो रही आंटी, देखो तेरे को बड़ी आंटी वही है, वो वही है। आंटी का नाम भी वो था, AUNTY भाई आंटी। तो मैं कह रहा था मेरे को ना नई जगह घूमने से क्या अच्छा लगता है, जो जगह मैं जा चुका ना ऑलरेडी, उसको दोबारा जाऊँ, क्योंकि मेरी ना मेमोरीज होती है, फिर मैं वो रिलीव करने को अच्छा लगता है। ज़्यादा खड़ी मत, अभी गिर जाती भाई, फिर से ट्राई करेंगे गिरने के बाद, मजे थोड़ा ना आते हैं बिना गिरे। हाँ करो ट्राई, मुझे यहाँ तो बहुत अच्छी फोटो आएगी इस टाइम पे। हाँ यार रुक जा, फिर फोटो लें दे। ध्यान से ध्यान से, पापा ये तेज झूलने वाला नहीं है। तो अभी यहाँ पे एक ऑफिस ट्रिप चल रही है, लिटरली ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का बिल्कुल मन नहीं पार्ट लेने का, लेकिन क्योंकि बॉस देख रहा था, दे आर टेकिंग पार्ट एंड दे आर प्लेइंग। एक आधा लड़का और एक आधा लड़की एक्टिवली पार्ट लेते हैं। हाँ जी बॉस करेंगे करेंगे, हाँ करेंगे। बॉस को दिखाने के लिए कि मैंने एक्टिविटीज कराई थी, बॉस पैसा वेस्ट नहीं किया था। लेकिन कुछ लोग ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो रहे, चलो यार करो, हमें जीतना है यार, हमें जीतना है भाई। चल रशी उनका अगर प्रमोशन इसीलिए हो जाएगा कि अच्छा खेलेंगे, तो ये रोडी समझ लिया उन्होंने कि ये रोडी चल रहा है। ओह वाइट वाले अंकल, लेकिन वो बात नहीं आई ना आज,
बिल्कुल नहीं है वो बात। तो हम लोग जब यहाँ आने वाले थे, मैंने कहा तू यार वी हैव टू गो बैक टू दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज़ हम लोग जब यहाँ 3 साल पहले, तो हम लोग को लगा था कि वाओ प्रॉपर्टी वाओ। उसके बाद हम लोग इतनी जगह गए, मालदीव गए, यहाँ गए, वहाँ गए, है ना, अब लग रहा है कि ये ओके है, वाव नहीं है। लेकिन उस टाइम पे लग रहा था ये वाव, इससे अच्छा कुछ नहीं। आई वाज टेलिंग हर कि लेट्स कम इन जनवरी बैक टू दिस प्रॉपर्टी। आओ भाग रहे हैं वो, पकड़ो उसको, कैच हिम कैच हिम, मुझे भागना पड़ेगा, भाग 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 भाग। अरे ये रहा पगलू, वो देख ऊपर में देखो, पकड़ 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 ध्यान से, लेकिन गिरना नहीं, ऐसी आप नहीं पकड़ पाओगे, पकड़ 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 पकड़। बच्चे यहाँ जुड़ा जुड़ा, तब तक हम सोचा अभी कुछ खा लेते रेस्टोरेंट में। थैंक यू सर, आज हमें व्लॉगिंग का फायदा हो गया, मोटर ने दिमाग लगा लिया, तो हमारा इसका वो गिर गया था बेबी कैरियर। जैसे मेरी बात लगी थी कि यार बिना बेबी कैरियर कैसे करूंगी, मैं कहा तू अपने व्लॉगिंग क्लिप्स दिखा, पक्का पता चल जाएगा मैंने कब पहना था और कब नहीं पहना था। सो मी एंड रशु वी हैव कम आउट फॉर अ जॉग स्लैश रन एंड बाय 9:30 वी विल गो फॉर डिनर। चलो आरव को रहने दो, इसकी इतनी दोस्ती हो गई आरव के साथ, आरव इज नॉट कमिंग। हम लोग आ चुके डिनर के लिए डेरी ढाबा, लेकिन रशी सो गई क्या, रशी गोदी आएगा क्या, गोदी आ जाओ। डिनर इज डन, डिनर काफी अच्छा था, ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन टेस्ट, बट आर यू रियली एन इंडियन अगर आप खाने के बाद सॉफ्ट ना पहले। जस्ट मेकिंग अ क्विक स्टॉप हियर। हाँ स्वाति को कॉल आया था कि उसके लिए इडली है ना, प्लेन इडली, क्योंकि उसको अभी थोड़ा पेट में फील हो रहा है कुछ गड़बड़, तो शी जस्ट हैव इडली, इडली पैक करा के ऐसा निकलता है। थैंक यू वेरी मच लोग, हम आपके मिलेंगे कल सुबह, सुबह निकल रहे हैं वापस लखनऊ की ओर, और सुबह हमारी आंटी जी से बात होगी, जैसे चाय पीती ना आंटी जी, मैं कहता आंटी थोड़ा जल्दी खोल देना, हम आपके चाय पी के ही जाएंगे और बिस्किट खा के जाएंगे। और मैं कहता हूँ थैंक यू वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, हम आपसे मिलेंगे कल, बाय।